बिहार सरकार में जदयू कोटा के मंत्री और नीतीश के सबसे करीबी कहे जाने वाले अशोक चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच काफी तनातनी बनी हुई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार ललन सिंह सीधे शब्दों में अशोक चौधरी को बरबीघा से जाने से मना किया है, लेकिन अशोक चौधरी ने ललन सिंह के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए एक बार फिर से बरबीघा रवाना हो गए। दरअसल बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी नगर परिषद बीघा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहे हैं। अशोक चौधरी भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित निरीक्षण भवन बरबीघा का उद्घाटन एवं भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के साथ कई कार्यों का समीक्षा करने जा रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले सीएम आवास में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। नीतीश कुमार के सामने ही मंत्री अशोक चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निर्देश को मानने से साफ मना कर दिया था। मामला ये था कि ललन सिंह ने अशोक चौधरी को बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति से दूर रहने को कहा था, जिसके बाद अशोक चौधरी ने ललन सिंह को जवाब दिया था कि वे कौन होते हैं रोकने वाले। सीएम आवास में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच हुई तकरार के प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की आपत्ति 29 सितंबर को बरबीघा में होने वाले अशोक चौधरी के कार्यक्रम से थी। अशोक चौधरी ने 29 सितंबर को बरबीघा में भवन निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का उद्घाटन करने के साथ साथ बरबीघा नगर परिषद की कई सड़कों की उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा। सीएम आवास में ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का वाकया 25 सितंबर का है। जदयू के कई नेता ये मान रहे थे कि भले ही अशोक चौधरी ने बहस कर ली हो, लेकिन वे ललन के निर्देश को नकार कर 29 सितंबर को बरबीघा जाने से परहेज करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने डंके की चोट पर 29 सितंबर को बरबीघा जाने का ऐलान कर दिया। अशोक चौधरी ने अपने कार्यालय से बरबीघा का प्रोग्राम जारी कर दिया और अब आज वह रवाना भी हो गए हैं। अब देखना होगा कि ललन सिंह इसे कैसे लेते हैं और नीतीश कैसे लगाम लगा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।